अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालिया से एक अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर करते हैं कि आज कमालिया की बस्ती गुजर बस्ती में एक नौजवान का कत्ल हुआ है। ये किसने कत्ल किया, ये गुजरात से यहाँ क्या करने आया हुआ था और किस बात की वजह से इनका झगड़ा हुआ और इसको कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, ये कमालिया थाना भसी का इलाका 741 गेबे गुजर बस्ती में नौजवान को कत्ल किया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौका पर पहुंच गई। नवई इलाका 741 गेबे में घर ए मेहमान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम जो है वो फरार हो गया। थाना बसी की हदूद चक नंबर 741 की इजाफी आबादी गुजर बस्ती की रिहायशी सलमा परवीन ने पुलिस को फ़ोन किया। 15 पे बताया कि उसके देवर वसीम ने अब्बास सकना गुजरात को 30 बोर पिस्तौल से फायर करके कत्ल कर दिया, जिस पर पुलिस ने एसडीपीओ कमालिया जैनब अयूब की क़यादत में जय वकुआ पर पहुंच गई। लाश को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी और डीपीओ टोबाटेक सिंह इबादत निसार ने फौरन नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के आर्डर जारी करते हुए एसडीपीओ की ज़ेर निगरानी एक तफ्तीशी टीम बनी है कि जल्द से जल्द इस मुलजिम को जो कि जिसने ये घिनौना काम किया है, इस नौजवान को कत्ल किया है, तो इसको फौरन गिरफ़्तार किया जाए। दोस्तों, ये गुजरात का ताल्लुक रखने वाला था, यहाँ कमालिया के ये नवे इलाके में आया हुआ था। एक जो कॉलर है सलमा परवीन, उसने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे देवर ने जो है ना घर है मेहमान को कत्ल किया है। ये अब वजूहात नहीं पता चली कि उसने क्यों कत्ल किया, ये तो उसकी गिरफ़्तारी होगी। गिरफ़्तारी के बाद ही सारी सूरत वाज़ह होगी कि वो किस वजह से इनका झगड़ा हुआ और उसने जो है फायर करके उसको मार दिया। ये जो उसका देवर था, जो लड़के और ख़ातून ने जिसने 15 की, तो मुलज़िम अभी फ़रार है। पुलिस छापेमारी जल्द से जल्द गिरफ़्तार हो जाएगा। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।